नमस्कार। आज हमारे साथ कमल कुमार बराड़ा व डॉक्टर श्यामलाल व संदीप बराड़ा। इन्होंने बहुत ही कम समय में, जो संदीप बराड़ा हैं, इन्होंने बहुत ही कम समय में जींद के अंदर भीम आर्मी की एक टीम खड़ी करी है। पहले इन्हीं से बात करेंगे, भीम आर्मी का क्या उद्देश्य है? सर, भीम आर्मी का क्या उद्देश्य है? भीम आर्मी का उद्देश्य है इस बहुजन जो समाज है, जो इन मनुवादी ताकतों ने दबाया, कुचला और उनके ऊपर अत्याचार किए और जो इनके हक अधिकार थे उनको छीन लिया। भीम आर्मी का उद्देश्य है कि जो बहुजन समाज के हक अधिकार इस देश के अंदर जो हिस्सा है वापस इस बहुजन समाज को दिया जाए और इस देश को बहुजन समाज इस देश का शासन रूप था इसको दोबारा इस देश का शासन रूप बनाया जाए, ये भीम आर्मी का उद्देश्य है। सर, आप कहाँ तक भीम आर्मी मूवमेंट को लेकर गए हैं? भीम आर्मी की जो मूवमेंट, हमने यहाँ कम से कम 100+ गांव में भीम आर्मी पाठशाला या लाइब्रेरी खुलवाई, ब्लड डोनेशन कैंप थे या किसी भी एट्रोसिटी का मामला 3 साल से अगर जिंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एट्रोसिटी हुई, अगर सबसे पहले उनकी आवाज़ उठाने का काम और उनको न्याय दिलाने का काम किसी संगठन ने किया तो भीम आर्मी ने किया। सर, कमल बराड़ा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे बहुजन समाज में अनेकों संगठन हैं, भीम आर्मी भी संगठन है, बहुजन समाज के लोग अलग अलग संगठनों में बंटे हुए हैं, इनकी एकता नहीं है क्योंकि ये कोई संविधान संघर्ष समिति चला रहा है, कोई मेले कोई संगठन चला रहा है, कोई कौन सा संगठन चला रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर एक संगठन हो तो बहुजन समाज एक हो, अगर अलग अलग संगठन रहेंगे तो अलग अलग समाज रहेगा, तो एक संगठन के लिए आपने क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात मैं आपके बात बता देना चाहता हूँ, किसने कहा कि संगठन अलग अलग है और एक नहीं हो रहा है? 21 तारीख को धरना भूल चुके हैं, 2 अप्रैल को धरना भूल चुके हैं, देश तो बंद हो गया ना, तब तो किसी संगठन की नाम नहीं था ना, कि किसी संगठन ने अपना नाम नहीं लिया। 21 तारीख का आंदोलन था जंतर मंतर को भरने का इतिहास रचा, जब से जंतर मंतर स्थान बना है आज तक किसी ने उसको भरा ही नहीं है, फिर इस बहुजन के लोगों ने तो भरा उसको। तो ये संगठनों की बात छोड़ दीजिए, संगठन सभी बाबा साहब को मानने वाले हैं, सब काशीराम जी को मानने वाले हैं और सभी गुरुदास जी को कुमार वाल्मीकि जी के नाम पर संगठन बने हैं। संगठन कोई भी बुरा नहीं होता, संगठनों को हम इकट्ठा करेंगे। अब भीम आर्मी आ तो गई है, अब भीम आर्मी आ गई, सभी को अपने साथ लेंगे, सभी हमारे भाई तो हैं, वो सभी हमारे भाई हैं और हम इस पूरे बहुजन को एक परिवार की तरह सिंचेंगे और एक परिवार को एक प्लेटफॉर्म पर एक मंच पर लेके आए। जी, अभी भी आपने कहा सभी संगठन एक साथ हैं, जैसे संदीप वाल्मीकि जी हैं वे बीएसपी की बात करते हैं कि ये बाबा साहब का उद्देश्य है जो वो पूर्ण करेगी, और जो चंद्रशेखर आजाद भाई हैं वे कहते हैं भीम आर्मी बाबा साहब का सपना पूरा करेगी, जैसे संविधान संघर्ष समिति है वे कहती है बाबा साहब का सपना पूरा करेगी, जैसे पार्टियां भी बहुत हैं, अनेकों पार्टियां बहुजन समाज की, जैसे बीएसपी, पीपल ऑफ इंडिया, जैसे मिश्रा भी चला रहे हैं, लेकिन अगर एक पार्टी हो तो क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तब आपने कहा कि बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, संदीप वाल्मीकि जी भी बोलते हैं, बोले वो तो बीजेपी के लोग भी बोलते हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी के लोग बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे? क्या लगता है? नहीं लगता, नहीं करेंगे। तो फिर जो राजनीतिक पार्टी है उनका काम है राजनीति करना, वो वोट बटोरना जानते हैं, लेकिन जब कहीं शोषण होता है ना, कहीं अत्याचार होता है पूरे देश में, तो भाई भीम आर्मी के लोग ही वहाँ जाते हैं, उसकी FIR भी लोग नहीं करते। थाने में जब हमारे लोग जाते हैं ना, तो हमारे लोगों को शोषण किया जाता है, जब वो FIR में FIR करने जाते हैं, उनकी FIR भी नहीं होती, धक्के से जब FIR करा भी तो उनकी सुनवाई नहीं होती, तो वहाँ क्या होता है? और भीम आर्मी के लोग जाते हैं, भीम आर्मी के लोग जाके जो अपना जो अत्याचारी है उसको अरेस्ट करवाते हैं और फिर भी ना बात बने ना, तो भाई फिर भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिला बंद करते हैं और जिला फिर ना बात बने ना, फिर पूरा स्टेट भी बंद कर देते हैं। ये चंद्रशेखर है, ये भीम आर्मी है, अब ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसा नहीं है कि आप जो क्वेश्चन था, ये सभी संगठन एक हैं, राजनीतिक पार्टियाँ अलग हैं और भीम आर्मी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भाई बाबा साहब का नाम तो कांग्रेस भी लेती है, बाबा साहब का नाम JJP भी लेती है, बाबा साहब का नाम BJP भी लेती है, हम कहीं रोक सकते हैं उनको? BSP भी लेते हैं, हमको रोक लेंगे? कोई रोक सकता भाई, क्योंकि बाबा साहब इस देश के संविधान के निर्माता हैं। सर, कभी भी देखा जैसे मैंने कोई धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, सबसे ज्यादा भीम आर्मी के लोगों को जेल में डाला जाता है, जैसे चंद्रशेखर भाई आजाद को कई बार जेल भी जा चुके, लेकिन और संगठनों के लोगों को जेल में नहीं डाला जाता, लेकिन भीम आर्मी के लोगों को जेल में क्यों डाला जाता है? तो भीम आर्मी में शेर नहीं, अगर बाहर शेर रहेंगे ना तो जो लोग उनको टॉर्चर करता है ना उनको सिखाएंगे ना सब, इसीलिए उनको पिंजरे में डाल दिया जाता है। सरकार को पता है
कि आज की डेट में भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो समाजवादी सरकार को टक्कर दे रहा है, और उनको भलीभांति पता है, बीजेपी सरकार को, कांग्रेस को भी पता है, जो मनुवादी सरकार है उनको पता है कि भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो उनको गद्दी से नीचे उतारने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है फिर भीम आर्मी को टॉर्चर करेंगे, भीम आर्मी के लोग को जेल में डाल लेंगे। लेकिन भीम आर्मी डरने वाले थोड़ी ना, चंद्रशेखर भाई को भी, कमल सिंह वाले, विजय नगर, कितने बार जेल में चले गए, क्या हुआ? नहीं हुआ ना, आगे भी डालते हैं। हम जेल से नहीं डरते, हम जेल से डरते हैं वो हमें जेल में डाले, हमारे पास केस कर दे। लेकिन जो काशीराम जी का सपना था वो हम साकार करेंगे। जी जैसे अभी आपने कहा, अब आपने कहा भीम आर्मी में शेर है, लेकिन क्या और संगठनों में शेर नहीं है? बिल्कुल शेर है। लेकिन मैंने पूरी बात मेरी सुनो, मैंने क्या कहा कि सिर्फ भीम आर्मी एक ऐसा संगठन, मजबूत संगठन बन चुका है जो सरकार को टक्कर दे रहा है। अब वो छोटे छोटे जो संगठन है काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो उनको पकड़ेगी ना, जो उनके गिरेबान तक हाथ पहुंचा रहा है, वो कौन है? वो भीम आर्मी। सर जब हमारा तुमकाबाद में आंदोलन हुआ 21 तारीख को, तो उसमें चंद्रशेखर जी आजाद जेल में डाले गए, और मायावती जी का एक बयान आया था, हमारा इस संगठन से कुछ लेना नहीं, हमारा इस संगठन से कोई मतलब नहीं। तो फिर भीम आर्मी का भी नीला झंडा है और मायावती जी का भी नीला झंडा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए मायावती जी ने क्या बयान दिया उनका अपना पर्सनल स्वार्थ है, क्या जो भी है, तो पर्सनल मैटर, क्वेश्चन मुझको लेना देना नहीं है। उन्होंने दिया है, मुझे भी पता है कि उन्होंने सब बयान दिया था कि लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए हमारे समाज के 96 लोग जेल में थे, तो देखिए निंदनीय बयान है, ये निंदनीय बयान है। वो लोग हमारे लिए, हमारे रायपुर गुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर के लिए जेल में गए हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया, ये तो है निंदनीय। रही बात है बीमार नहीं की, तो बीमार में कैसे काम करते रहेगी कोई, कुछ भी कोई। सर मैंने अभी पूछा था आपसे, जैसे भीम आर्मी का भी नीला झंडा है और बीएसपी का भी नीला झंडा है, लेकिन बातें की अलग अलग है, ये क्या कारण है? लेकिन नीला झंडा तो है बिल्कुल, जो बाबा साहब जी को मानने के लोग उनका नीला झंडा होगा, और बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी है वो भी बाबा साहब को मानते हैं, और भीम आर्मी का भी नीला झंडा है वो भी बाबा साहब को मानते हैं। तो अगर कोई तीसरा संगठन होगा वो नीला झंडा लेके चलेगा, हमारा तो पहचान ही नीला रंग है, क्या करें? अब नीला झंडा तो फिर लेके लेंगे ही ना, तो नीला झंडा ही रहेंगे ना, जो सब काशीराम जी को, बाबा साहब जी को मानने गए भाई, वो तो नीला झंडा लेके ही चलेंगे, और इसके लिए हम किसी को रोक नहीं सकते। जी डॉक्टर श्यामलाल जी, क्या बीएसपी और भीम आर्मी एक हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, अगर दोनों के विचार आगे मेल खाते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि हम एक ही झंडे के नीचे पूरा काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक हो सकती है। राजनीति में या मिशन में कब कौन भाई एक मंच पे आ जाए इसका कुछ पता नहीं है, तो एक हो सकते हैं। सर जैसे मिशन तो उनका भी एक है, जैसे वे भी बाबा साहब की मूवमेंट के लिए लेकर चलते हैं, और बीएसपी भी बाबा साहब की मूवमेंट को लेकर चलती है, जब चुनाव आता है वो भी यही कहती है हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, भी भाई चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता तो ये अलग अलग संगठन है जितने वाले, ये अलग अलग पार्टियों का मतलब सहयोग करते हैं, लेकिन ये एक पार्टी का सहयोग क्यों नहीं करते, जो कि बाबा साहब का सपना की सबसे मैं अहम मुद्दा है कि सत्ता सत्ता, उसने इशारा किया है संसद भवन की तरफ भी, आप अगर किसी भी तस्वीर में या देखा जाए तो उसकी एक उंगली है, उसका इशारा है संसद भवन की तरफ, लेकिन ये संगठन जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं ये अलग अलग पार्टी को सपोर्ट दे रही है, एक पार्टी बहुजन समाज की पार्टी को सपोर्ट क्यों नहीं देती? देखिए चंद्रशेखर जी ने कभी भी बहन कुमारी मायावती जी और डीएसपी के लिए विरोध में नहीं बोला, और जब भी हो पाया, जितना भी उनसे हो पाता है, क्योंकि वो एक सोशल संगठन है, सोशल संगठन का काम करने का अपना दायरा है, राजनीतिक पार्टी का अपना दायरा है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी संगठन को, केवल बीएसपी नहीं, बीएसपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो भी एक सामाजिक आंदोलन है, तो उसी तरह से चाहे बीएसपी हो या बहुजन समाज का कोई और संगठन हो, जैसे आपने कहा अनेकों संगठन है, बहुत सारे संगठन है, जैसे एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, सब अपना अपना कलर दिखाते हैं, जब भी कोई आदमी वहाँ से निकलता है, कोई भी महापुरुष वहाँ से निकलता है, कोई भिक्षु वहाँ से निकलता है, कोई बंदे वहाँ से निकलता है, तो उसको बड़े सुंदर लगते हैं, सबका अपना अपना रोल है। वैसे ही अगर जो आपका क्वेश्चन रहा
तो मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा कि हमारे जो लीडर हैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने बहन जी का कहीं विरोध किया, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। वो तो उनके पक्ष में ही बात करते हैं। कोई भी मिशन मूवमेंट की बात करेगा, कोई भी जाति हो, कोई भी आदमी हो, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो महापुरुष रहे उनकी अगर बात करेगा तो चंद्रशेखर राव जी उस हर आदमी के साथ खड़े हैं। सर एक और बात है, जब इलेक्शन का टाइम आता तो पार्टी हर कोई भी पार्टी जैसे बहुजन समाज पार्टी या और भी कोई कई पार्टी अनेक पार्टी बीजेपी कांग्रेस जैसे ये मैंने बहुजन समाज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते ये करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार भी बहुजन समाज पे होता है, इसका क्या कारण है? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा हथियार दे दिया जिसको वोट कहते हैं, और पता है कि बिना वोट के कोई भी विधायक या एमपी नहीं बन सकता, इसलिए तरह तरह के लुभावने वादे करते हुए वो लोग लोगों के घरों में जाते हैं। और आपको पता है अच्छे से कि अगर मैं एक पार्टी की बात कर लूँ, वैसे तो और भी पार्टियाँ हैं इस तरह की, जैसे मैं बात करूँ अभी सत्ता किसके हाथ में, बीजेपी के हाथ में, तो जो बीजेपी ने वादे किए वो किसी से छुपे हुए नहीं है, उसने ऐसे वादे किए कि उनसे आगे तो मुझे लगता भी नहीं कोई और झूठ बचा होगा जो कोई दूसरा बोल देगा, इतने झूठ उन्होंने बोल के इतने वादे किए, तो ये तो उनको सत्ता हथियाने का एक झूठ और जुमलेबाजी का मामला है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि भाई समाज को और इससे आगे गुमराह कर पाएंगे या इससे आगे बहका पाएंगे। तो सभी को पता है कि ये पार्टियाँ केवल वोट लेने की खातिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो बहुजन समाज है उसका हम भला करेंगे, ये केवल वोट हथियाने के लिए बोलते हैं। जी जैसे इसका सबसे ज्यादा शोषण होता है और अत्याचार होता है, इस पर इसका क्या कारण है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज्यादा शोषण अन्याय और अत्याचार इस समाज के ऊपर होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो हमारे महापुरुष रहे उन्होंने इस समाज को बहुत जागरूक कर दिया और ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है। ये कहता है जैसे माननीय साहब कांसीराम जी कहकर गए कि हम इस देश के जो है हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हम इस देश के स्वशासक बनेंगे, तो उन लोगों को इससे ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा डर है कि ये जो लोग हैं जो बहुजन समाज है ये इस देश का शासक बनने की बात करता है, जो दूसरे लोग हैं वो दब्बू टाइप के लोग हैं, अगर ये समाज भी चुप बैठ जाए, ये समाज भी पिटाई खा ले, चुप बैठ जाए, अन्याय अत्याचार सहन कर ले तो ये मामले भी नहीं उछलेंगे, लेकिन अब ये बहुजन समाज बिल्कुल भी किसी भी कीमत के ऊपर इनका अन्याय और अत्याचार सहन करने के लिए तैयार नहीं। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप अभी जैसे इस पाठशाला में आए थे पुस्तकालय में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय अम्बिकाना ने खुली है, आप इसमें आए तो ये इतनी पाठशाला आप कितनी खुलवा चुके हैं? देखो इस तरह के ट्यूशन सेंटर कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे काम कर रहा है, हजारों ट्यूशन सेंटर हमारे इस तरह के चल रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो सैनिक का धन है जो दिएगा वो दहाड़ेगा, इसलिए गांवों में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो गांवों में हमारे घर में पढ़ी लिखी बेटी है, पढ़ी लिखी बहू आई है, तो वो अपना सोशल काम करते हुए इस तरह के ट्यूशन सेंटर खोलने का काम कर रहे हैं। जो किसी से कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं, कोई किसी तरह का पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उसमें किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का बच्चा अगर आके वह पढ़ना चाहता है तो उसको फ्री में पढ़ाते हैं। सर धन्यवाद, हमारे से भाई संजीव जी बरा ने बात की और डॉक्टर श्यामलाल जी ने और कमल बराड़ ने, हम इनका हमारे यूट्यूब जनता शक्ति यूट्यूब चैनल में हम इनका स्वागत करते हैं और तहे दिल से हम इनका धन्यवाद करते हैं।